Dear students, as yesterday we have discussed about the natural rubber as well as the synthetic rubber, in which we have discussed the vulcanization process. So what is synthetic rubber? The rubber that is going through the vulcanization process, by which it is being capable to be stretched by applying force twice to its length and can recovered its shape by leaving that force or by withdrawing that force is known as the synthetic rubber. Basically what we see, the synthetic rubber is having the monomer unit as buta-1,3-diene, that is having the similar property as that of vulcanized rubber. So here we will discuss about four members of the synthetic rubber. The first one is neoprene. So in neoprene, what is a monomer unit? फर्स्ट तो इन नेचुरल रबर व्हाट वी हैव डिस्कस्ड के जो हमारा मोनोमर यूनिट होता है वो क्या होता है, 2-methyl-1,3-buta-diene. यहाँ पर क्या होता है, मोनोमर है हमारा क्लोरोप्रिन. क्लोरोप्रिन मीन्स दैट वॉज नियोप्रिन, सॉरी दैट वॉज आइसोप्रिन एंड इट इज नियोप्रिन. और क्लोरोप्रिन मीन्स वहां पर मिथाइल था सेकेंड पोजिशन पे, यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्लोरो ग्रुप आ जाएगा. तो 2-chloro-1,3-buta-diene इज द मोनोमर यूनिट फॉर नियोप्रिन. 2-chloro-1,3-buta-diene. So we'll write the formula of butadiene first. 1, 2, 3, 4 carbon. 1 and 3 position पे हमें double bond लगा देना है. Second position पे chloro group ले आना है. Methyl group की जगह chloro group ले आना है. तो how can it be prepared? ये हम कैसे prepare कर सकते हैं? By vinyl acetylene when react with hydrogen chloride. जब विनाइल एसिटाइलिन का रिएक्शन हम हाइड्रोजन क्लोराइड से करेंगे, विनाइल एसिटाइलिन मैंने बताया था ये आपका विनाइल ग्रुप है, जब इसका एक एच हटके एसिटाइलिन आ जाता है तो विनाइल एसिटाइलिन फॉर्म हो जाता है. हाइड्रोजन क्लोराइड से जब हम रिएक्शन करेंगे तो ये मार्कोनिक ऑफ रूल को फॉलो करेगा. मार्कोनिक ऑफ रूल क्या कहता है, एडिशन रिएक्शन के बारे में बताता है जब हम एसिमेट्रिक एजेंट का यूज करते हैं. तो ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा और मार्कोनिक ऑफ रूल के अकॉर्डिंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट मूव टुवर्ड्स दैट कार्बन एटम दैट इज हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम. अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि एक कार्बन पे एक हाइड्रोजन एटम है और दूसरे कार्बन पे हाइड्रोजन एटम है ही नहीं. तो Cl किसके पास जाएगा, जहां पर हाइड्रोजन नहीं है. और H कहाँ मूव करेगा, इस वाले कार्बन पर मूव करेगा. और वी वुड बी एबल टू फॉर्म CH2 डबल बॉन्ड CH, C सिंगल बॉन्ड Cl डबल बॉन्ड CH2 यानी क्लोरोपिन और 2-chloro-1,3-buta-diene. तो ये हमारा मोनोमर यूनिट हो गया नियोप्रिन का और क्लोरोप्रिन का. इसकी पॉलीमराइजेशन प्रोसेस देखते हैं. इसमें क्या खास बात होती है, इट इज 700 टाइम्स फास्टर देन आइसोप्रिन. ये 700 टाइम्स easily faster polymerize होता है in comparison to isoprene. Isoprene is a natural rubber that we have discussed yesterday. तो अगर इसका polymerization करेंगे तो n molecules हमने ले लिए 2-chloro-buta-1,3-diene के. तो यहां पर क्या होगा, n molecules आप लेंगे, ये double bond टूटेगा, ये double bond टूटेगा, 2-2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे जो होमोलिसिस के थ्रू दोनों कार्बन पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे. सो अब दूसरा मॉलिक्यूल या दूसरा मोनोमर यूनिट इधर से ज्वाइन कर सकता है, इधर से भी ज्वाइन कर सकता है. और ये दोनों कार्बन आपस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से क्या बना लेंगे, एक बॉन्ड को फॉर्म कर लेंगे. तो लाइक दिस लेट सी, जब हम कंबाइन करते जाते हैं नंबर ऑफ मोनोमर्स को तो इस तरीके से हमारा पॉलीमर फॉर्म होता चला जाता है. What is this? Neoprene. Properties क्या है, These are the thermoplastic polymers. Thermoplastic polymers हैं, they are stable to aerial oxidation and as well as to oil, gasoline and other solvent. Resistant किन के लिए हैं, oil के लिए, gasoline के लिए और other solvents के लिए. Uses हम कहाँ करते हैं, It is to be used to manufacture कंटेनर्स, उन कंटेनर्स को बनाने में यूज करते हैं जिसमें हम पेट्रोल को, ऑयल को, अदर सॉल्वेंट्स को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं. दूसरा, नियोप्रिन बेल्ट्स बनाने में इनका यूज किया जाता है, टू बी यूज इन कोल माइंस. कोल माइंस में जो कन्वेयर बेल्ट्स यूज होती हैं वो कौन सी होती हैं, नियोप्रिन बेल्ट्स होती हैं. क्यों, क्योंकि ये फायर कैच नहीं करती, बिकॉज दे आर रेजिस्टेंट टू द फायर ऑल्सो. इन मेकिंग हॉजेस, शू हील्स एंड
इन मेकिंग स्टॉपर्स. स्टॉपर्स आप जानते हैं, शू हील्स आप जानते हैं, हॉजेस क्या होते हैं, हॉजेस मे बी यू ऑल आर फेमिलियर विद. किस तरीके के ट्यूब होते हैं, हॉलो ट्यूब्स होते हैं जो वाटर को या फिर किसी भी लिक्विड को एक स्पेस से दूसरी स्पेस में ले जाने के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है. एंड दे आर जनरली नोन एज ट्यूब्स, ट्यूब्स भी कह सकते हैं उनको हम. द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ब्यूना एस. ब्यूना एस इज अ कोपॉलीमर. कोपॉलीमर के बारे में स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर दो टाइप के पॉलीमर्स को हम बता सकते हैं नेचर ऑफ द मोनोमर्स यूज्ड. कोपॉलीमर्स में हम क्या करते हैं, दो मोनोमर, टू डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमर यूनिट्स आर कंडेंस टू फॉर्म द पॉलीमर. सो यहां पर मोनोमर यूनिट क्या है, ब्यूटा 13 डाइईन एंड स्टाइरीन. यहां पर मोनोमर यूनिट कौन कौन सी है, ब्यूटा 13 डाइईन एंड स्टाइरीन. तो ब्यूटा 13 डाइईन का फॉर्मूला लिख लेंगे, फोर कार्बन एटम्स मीन्स ब्यूटा, वन एंड थ्री पोजिशन पे डबल बॉन्ड, तो इट वुड बी 13 ब्यूटा और यू में से ब्यूटा 13 डाइईन. ये गड़बड़ लिख गया है, ब्यूटा 13 डाइईन होना चाहिए. सो एन मॉलिक्यूल्स ऑफ स्टाइरीन. स्टाइरीन को मैंने पहले भी बताया था जब हम लोगों ने पॉली स्टाइरीन पढ़ा था, एडिशन पॉलीमर. स्टाइरीन क्या होता है, बेंजीन रिंग के ऊपर CH डबल बॉन्ड CH2. व्हेन इट इज हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम व्हाट विल हैपन, द पॉलीमराइजेशन टेक्स प्लेस. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको लेने हैं, पॉलीमराइजेशन उसी तरीके से होगा, ये डबल बॉन्ड टूटेगा, ये डबल बॉन्ड टूटेगा और यहाँ ये डबल बॉन्ड टूटेगा, ठीक है. ऑन हीटिंग होमोलिसिस होने की वजह से सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन आ जाएगा हर कार्बन पर. और यहां पे अगर आप मान लें कि एक मॉलिक्यूल आपने स्टाइरीन का ले रखा है तो ये स्टाइरीन से जुड़ जाएगा, ये इधर वाले स्टाइरीन से जुड़ जाएगा, यानी इसके और इसके बीच में बॉन्ड बन जाएगा. इसके बाद फिर मैं अगर बोलूं कि मैंने क्या ले लिया है, ब्यूटाडाइन ले लिया है, तो ये फिर से ब्यूटाडाइन के कार्बन के साथ जुड़ता चला जाएगा और ये बीच वाला कार्बन और कार्बन ये दोनों मिलकर एक डबल बॉन्ड फॉर्म कर जाएंगे. तो इस तरीके का SBR फॉर्म हो जाएगा. SBR मींस स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर. इसको कॉमनली किस नेम से जानते हैं, SBR के नाम से जानते हैं. यहाँ खास बात क्या है कि मोनोमर यूनिट हमारी ब्यूटा 13 डाइईन और स्टाइरीन है जिसको हम 3:1 के रेशियो में लेते हैं. तो दैट वुड बी द पॉलीमर ब्यूना एस. ब्यूना एस इसको हम क्यों कहते हैं, ब्यूना का मतलब, बीयू का मतलब ब्यूटा डाइईन, एनए का मतलब नेट्रियम, नेट्रियम यानी सोडियम, एंड एस का मतलब स्टाइरीन. तो ब्यूना एस हमने इसलिए नाम लिखा और इसको जनरली हम SBR के नाम से जानते हैं, स्टाइरीन ब्यूटा डाइईन रबर. एग्जाम में इन्हीं नाम से पूछा जाता है आपसे. प्रॉपर्टीज क्या हैं, दे आर हैविंग वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सो दे आर सॉफ्ट एंड इलास्टिक. अगर हम नेचुरल रबर से कंपैरिजन करें तो टफ है लेकिन लो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है इनका. यूज कहां पर करते हैं, टायर्स, ऑटोमोबाइल्स के टायर्स बनाने में यूज किया जाता है, रबर सोल बनाने में, बेल्ट बनाने में, हॉजेज और फ्लोर टाइल्स बनाने में काम में लेते हैं. नेक्स्ट वन इज ब्यूना एन. ब्यूना एन को हम नाइट्राइल रबर के नाम से भी जानते हैं. नाइट्राइल ग्रुप जैसे ही आया आपको ध्यान में आना चाहिए, CN ग्रुप. ओके, सो दैट इज ऑल्सो अ को पॉलीमर. यहाँ पे जो मोनोमर यूनिट है अगेन ब्यूटा 13 डाइईन. तो याद रखना है आपको, जितने भी सिंथेटिक रबर आप पढ़ रहे हैं अभी तक उनमें सब में क्या पढ़ रहे हैं, ब्यूटा 13 डाइईन. और जो सेकेंड मोनोमर यूनिट है वो है एक्राइलो नाइट्राइल. एक्राइलो नाइट्राइल पहले भी पढ़ाया हम लोगों ने, जहां पर हमने पेन की बात की थी, पॉली एक्राइलो नाइट्राइल. तो क्या फॉर्मूला होता था, विनाइल साइनाइड और विनाइल नाइट्राइल भी कह सकते हैं. CH डबल बॉन्ड CH2 विनाइल ग्रुप हो गया, CN इससे जुड़ा हुआ है. ब्यूटा 13 डाइईन का फॉर्मूला हम पहले देख चुके हैं, इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड ये कंबाइन करेंगे बिल्कुल उसी मैनर में. बस आपको इसको लिखने का ढंग ध्यान में रखना है क्योंकि CN का बॉन्ड अगर यहां बना दोगे तो फिर इसे ज्वाइन करते हुए नहीं दिखा पाओगे. सो एन मॉलिक्यूल्स दोनों के आपको लेने हैं, डबल बॉन्ड तोड़ेंगे तो बाय होमोलिसिस देयर वुड बी 1-1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑन ईच कार्बन एटम. दे विल कंबाइन विथ द मोनोमर ऑफ एक्राइलो नाइट्राइल इन द सिमिलर मैनर. अगला मेंबर में क्या मान के चलूंगी, ब्यूटा 13 डाइईन और यहां पर अगला मेंबर क्या होगा हमारा, अगेन एक्राइलो नाइट्राइल. तो इस तरीके से ये होल एन यानी ब्यूना एन फॉर्म करते चले जाएंगे. एन का मतलब यहां पर नाइट्राइल से है. प्रॉपर्टीज क्या है, दीज आर रेजिस्टेंट टू द एक्शन ऑफ पेट्रोल, लुब्रिकेटिंग ऑयल एंड अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स. यूज कहाँ किया जाता है, इन मेकिंग ऑयल सील्स,
ऑयल सील्स बेसिकली किस चीज में, ऑयल सील्स का मतलब बेसिकली क्या है, ये एक रोटेटिंग शेफ्ट है जो कि दो सर्फेसिस को जोड़ती है आपस में, और दूसरा जो हमारा ऑयल है उसको लीकेज से रोकती है या फिर उसको दूर रखती है डर्ट से, डर्ट डस्ट से, वाटर से, एनी टाइप ऑफ डस्ट डर्ट और वाटर यू में से, ठीक है। हॉजेस बनाने में काम में लेते हैं, टैंक की लाइनिंग्स के लिए इसका यूज किया जाता है। द लास्ट मेंबर इज थायोकोल। यहाँ पर मोनोमर यूनिट क्या है, इथाइलीन क्लोराइड और सोडियम टेट्रा क्लोराइड। यहाँ पर सोडियम टेट्रा सल्फाइड, सोडियम पॉलीसल्फाइड भी हम बोल सकते थे। यहाँ पर हम Na2S2 का भी यूज करते हैं, Na2S4 का भी यूज करते हैं, इसलिए हम इसको पॉलीसल्फाइड रबर भी कहते हैं। थायोकोल को पॉलीसल्फाइड रबर भी कहते हैं। थायो का मतलब क्या होता है, सल्फर। सो द मोनोमर यूनिट इज इथाइलीन क्लोराइड। इथाइलीन क्लोराइड मीन्स, इथाइलीन क्लोराइड क्या होता है हमारा, दो कार्बन एटम और दोनों से एक एक सीएल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इथाइलीन। ओके, CS2 CL सिंगल बॉन्ड CS2 CL, इस तरीके से लिखा करते थे हम क्लास 11th में इसको। मैंने यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है इसलिए क्योंकि हमें ये दिखाना है कि Na के साथ ये NaCl एलिमिनेट करेगा, इधर भी एक Na के साथ ये NaCl एलिमिनेट करेगा। सो लिंकेज जो हमारी आती है वो कुछ इस तरीके से आती है, CS2 सिंगल बॉन्ड CS2, देर आफ्टर 2S SS लिंकेज, फर्दर CS2 सिंगल बॉन्ड CS2 और फर्दर SS लिंकेज। यहाँ पर 4S से लिंकेज भी आ सकती है, अगर मैं Na2S4 का यूज कर रही हूँ, Na2S2 का यूज कर रही हूँ तो ये रिजल्टेंट आएगा। तो यहाँ पर हम सोडियम पॉलीसल्फाइड्स लेते हैं, अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट मिलते हैं। मोर कॉमन जो है वो हमारा या तो ये आता है जहाँ पर SS लिंकेज आती है, या फिर S की 4 लिंकेजेस आ जाती हैं बीच में, अगर मैंने Na2S4 ले रखा है। इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वी आर टू डू द रिएक्शन एंड 2N NaCl वुड बी एलिमिनेटेड, क्योंकि एक इथाइलीन क्लोराइड के पास 2Cl है तो 2NaCl एलिमिनेट होंगे, और N मॉलिक्यूल्स हम ले रहे हैं तो यहाँ पर 2N NaCl फॉर्म हो जाएंगे। सो दीज आर ऑल अबाउट द सिंथेटिक रबर्स। नाउ आवर लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायो, सॉरी पहले प्रॉपर्टीज देख लेते हैं इसकी। थायोकोल की प्रॉपर्टीज हम लोगों ने नहीं देखी। सो इट इज हैविंग लेस टेंसाइल स्ट्रेंथ देन नेचुरल रबर, लेकिन ये इनर्ट है टू ऑल द केमिकल्स। ये इसकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इनर्ट टू ऑल द केमिकल्स, इसलिए इसका यूज हम मैनुफैक्चरिंग इन हॉजेस, टैंक लाइनिंग, इंजन गैसकिट्स बनाने में किया जाता है। गैसकिट्स से आप फैमिलियर है ना, जैसे कुकर की गैसकिट होती है जो कंप्रेशन में इजीली काम कर सकती है, ठीक है, उसी तरीके से गैसकिट्स क्या होती हैं, इंजन की गैसकिट्स क्या है, इट इज लाइक अ मैकेनिकल सील जो कि दो स्पेस के बीच में लगाई जाती है जिससे कि किसी भी तरीके का लीकेज अंडर कंप्रेशन रोका जा सके। कंप्रेशन जब होता है, जब प्रेशर क्रिएट होता है, तो उस केस में उसको लीकेज को प्रिवेंट किया जा सके। एज रॉकेट फ्यूल व्हेन मिक्स विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसका यूज कैसे किया जाता है, रॉकेट फ्यूल की तरह किया जाता है, बिकॉज इट इज इनर्ट टू ऑल द केमिकल्स। नाउ लेट्स सी कोपॉलीमराइजेशन पे शॉर्ट नोट आ जाता है आपका। वैसे आपको पता है कोपॉलीमराइजेशन क्या है, कोपॉलीमर आप जानते हैं, व्हेन टू और मोर डिफरेंट मोनोमर यूनिट यूनाइट टुगेदर टू पॉलीमराइज द प्रोडक्ट इज नोन एज कोपॉलीमर, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, कोपॉलीमराइजेशन। एग्जाम्पल्स बहुत सारे हमने देख लिए जहां पर हम दो मोनोमर यूनिट का यूज करते हैं, वो कोई भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। ये जो है आपका चेन ग्रोथ एज वेल एज स्टेप ग्रोथ मैकेनिज्म दोनों को फॉलो करता है, और इसकी प्रॉपर्टीज बेसिकली क्या है, अगर मैं अलग अलग मोनोमर यूनिट की बात करूं तो उन दोनों से काफ़ी ज़्यादा बेटर प्रॉपर्टीज ये शो करता है। सो प्रॉपर्टीज ऑफ कोपॉलीमर इज डिफरेंट, मींस बेटर फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टी देन इंडिविजुअल पॉलीमर। जैसे कि SBR का एग्जाम्पल लिया है, पॉलीस्टायरीन की प्रॉपर्टी होती है कि ईजिली ब्रेकेबल है, और पॉलीब्यूटाडाइईन जो है वो फ्लेक्सिबल होता है नेचर में, लेकिन जब हम इन दोनों को कंबाइन करके SBR बनाते हैं तो वो मोर फ्लेक्सिबल एंड मोर टफर हो जाता है। सो दैट इज अबाउट द कोपॉलीमराइजेशन। जब आपको शॉर्ट नोट आए तो आप डेफिनेशन के साथ किसी एक एग्जांपल को डिस्क्राइब करेंगे, जैसे कि SBR का अगर आपने एग्जांपल ले लिया, या BuNaN या BuNaS का एग्जांपल ले लिया, SBR और BuNaS एक ही बात है, और Na6 का एग्जांपल लेकर उसको कंबाइन करके बता दिया, 2 मार्क्स में आपका ये क्वेश्चन आता है। नाउ लेट सी द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, और इसको हम बायो पॉलीमर्स भी कहते हैं।
वॉट आर बायोपॉलीमर्स? वो पॉलीमर्स जो कि हमें बायोलॉजिकली ऑप्ट कर सकते हैं, जिनको हम, यानी जिनको हम प्लांट्स से, एनिमल्स से ऑप्ट कर सकते हैं, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? बायोपॉलीमर्स कहलाते हैं। ठीक है, सो पॉलीमर्स जैसे कि स्टार्च है हमारा, सेल्यूलोस, प्रोटीन, पॉलीपेप्टाइड, ये सारे आपको पता है बायो मॉलिक्यूल्स हैं, विच कंट्रोल वेरियस लाइफ प्रोसेसेस आर कॉल्ड बायोपॉलीमर्स। ये नेचुरली अकरिंग है, लेकिन जो नीड है हमारी उसके अकॉर्डिंग बायोपॉलीमर्स हमारे पास ऑप्ट नहीं हो पाते, तो हमें क्या करना होता है? वी आर टू प्रिपेयर देम सिंथेटिकली। सिंथेटिकली अगर हम इन बायोपॉलीमर्स को फॉर्म करें तो हमें क्या फायदा है? दैट दे आर बायोडिग्रेडेबल इन नेचर। जबकि हमने जितने सारे ये सिंथेटिक पॉलीमर पढ़े, ऑलमोस्ट इसमें से काफी सारे पॉलीमर्स जो हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल और बायोडिग्रेडेबल का मतलब आप जानते हैं, बायोडिग्रेडेबल वो होते हैं जो बायोलॉजिकल एक्शंस के थ्रू, मीन्स बैक्टीरिया वायरसेस के थ्रू डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं एनवायरमेंट में आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम। जबकि नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं? जो इजिली डिग्रेड नहीं होते या बिल्कुल भी डिग्रेड नहीं होते। तो इन पॉलीमर्स का मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो नॉन डिग्रेडेबल है, जिसकी वजह से हमारे एनवायरमेंट में पॉल्यूशन और टॉक्सिक गैसेस जो हैं वो इकट्ठी होती चली जा रही हैं। तो दे आर टॉक्सिक टू अस, दे आर नॉट इको फ्रेंडली इन नेचर। तो बेसिकली हमें किन पॉलीमर्स का यूज करना चाहिए या किस तरफ हमें ध्यान देना चाहिए? बायो पॉलीमर्स की तरफ। उनको केमिकली, उनको सिंथेटिकली हम उनको मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, और उनका यूज करने से क्या हो जाएगा? पॉल्यूशन कुछ कम हो जाएगा। सो ऑल दीज पॉलीमर्स कैन बी ब्रोकन इन टू देयर कंपोनेंट्स आइदर बाय एंजाइम कैटालिसिस और बाय देमसेल्फ ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, सो दे आर बायोडिग्रेडेबल। ये सारे के सारे बायो मॉलिक्यूल्स हैं, एनिमल या प्लांट्स की बॉडी में बनते हैं और एंजाइम्स के थ्रू कैटेलाइज हो जाते हैं, कैटेलाइज मैकेनिज्म के थ्रू डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं अपने कंस्टिट्यूएंट्स में, सो बायोडिग्रेडेबल कहलाते हैं। जबकि जो हमने पढ़े उस सारे के सारे सिंथेटिक पॉलीमर्स जो हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं कहीं ना कहीं। सो वाइल सिंथेटिक पॉलीमर्स मेजर पोर्शन इज नॉट डिसइंटीग्रेट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, सो कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल, जैसे कि हम प्लास्टिक से सारे के सारे फैमिलियर हैं के कर्स बन चुका है हमारे एनवायरनमेंट के लिए। अ लॉट ऑफ पॉल्यूशन इज देयर क्योंकि ये डिसइंटीग्रेट नहीं होता, और ये सारा का सारा इसको डिस्पोज ऑफ करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। सो लेट सी, यहाँ पर हम बायोडिग्रेडेबल जो पॉलीमर बनाते हैं दे आर ऑल्सो हैविंग द सेम फंक्शनल ग्रुप जो कि हमारे बायो पॉलीमर्स में होते हैं। तो वही फंक्शनल ग्रुप के साथ हमें बनाना है, तो जो मोर कॉमन है उनमें एस्टर्स और अमाइड्स जो है वो मोर कॉमन ग्रुप्स हैं। यहाँ दो एग्जाम्पल्स हम पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ेंगे। द फर्स्ट वन इज PHBV। PHBV का मतलब पॉली हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट को पॉलीमर है, तो हम यहाँ को वर्ड का यूज करते हैं, को बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट, यानी हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट और हाइड्रोक्सी वेलरेट के मोनोमर यूनिट के कंडेंस होने से ये फॉर्म होता है। बट यहाँ ध्यान क्या रखना है हमें कि बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट है और बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट है। पी फॉर पॉली, हर केस में जहां पे भी जो स्पेशल नेम मिले हैं आपको, पी फॉर पॉली है। बाकी आपको याद रखना है हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट एंड हाइड्रोक्सी वेलरेट, बट दे आर एट द बीटा पोजिशन। क्या खास बात है इनमें? थर्मोप्लास्टिक कोपॉलीमर है, मोनोमर यूनिट जैसे कि मैंने आपको बताया बीटा हाइड्रोक्सी है, और ज्यादा उसको देखते हैं क्या है, ब्यूटायरेट। ब्यूटायरेट से पता चल रहा है हमें एट का मतलब एस्टर फॉर्म करेगा, एट का मतलब एस्टर फॉर्म करेगा और बनेगा किससे? हमेशा जो बनता है एट उसमें हम एसिड और एल्कोहल के कॉम्बिनेशन से बनाते हैं, बट यहां पर हम क्या देख रहे हैं, दोनों हमें एसिड ही लेने हैं, एक ब्यूटायरिक एसिड। ब्यूटायरिक एसिड क्या होता है? यानी ब्यूटेनोइक एसिड। सो वी आर टू टेक 3-हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड एंड 3-हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। वेलरिक एसिड किसको कहते हैं? पेंटेनोइक एसिड को। ब्यूटायरिक एसिड किसे कहते हैं? ब्यूटेनोइक एसिड को। ब्यूटेनोइक एसिड मीन्स 4 कार्बन और पेंटेनोइक एसिड मीन्स 5 कार्बन एटम्स। सो वी आर टू टेक 3-हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड एंड 3-हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। लेट सी, आपने 4 कार्बन लिखने हैं जिसमें एक कार्बन पर ही सी डब्ल्यू एच ग्रुप लगाएंगे, क्योंकि आई यू पैक नेम लेते टाइम
इसको हम काउंट करते हैं नेमिंग में। तो 4 कार्बन होंगे ब्यूटेनोइक एसिड में, 5 कार्बन होंगे पेंटेनोइक एसिड में, थर्ड पोजीशन पे ओएच ग्रुप लगाना है दोनों में। क्यों? अच्छा, काउंट कहाँ से करेंगे? ग्रुप से काउंट करेंगे, 1 2 3, थर्ड पोजीशन पे लगाएंगे ओएच ग्रुप, क्योंकि ये बीटा पोजीशन है। बीटा पोजीशन क्या होती है? ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन होता है अल्फा, और उससे नेक्स्ट कार्बन होता है बीटा, फिर आता है आपका गामा, डेल्टा एटसेट्रा। सो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर कि हमें 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड क्यों लिया हमने, क्योंकि ये बीटा पोजीशन है, ठीक है। सो ये बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरिक एसिड हो जाएगा, बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरिक एसिड हो जाएगा, यानी पेंटेनोइक एसिड हो जाएगा। अब इन दोनों को कंबाइन कर देंगे आप, कंडेंस कर देंगे। सिंपल सा तरीका है, आप देखिए आपने यहां पर क्या ले लिया, लेट्स सी। इसको लिखने का तरीका ध्यान में रखेंगे आप, यहां जब हम लिख रहे हैं तो OH हमारा साइड चेन में आ रहा है, आपको इस तरीके से लिखना है कि OH आपका मेन चेन में आ जाए और मिथाइल ग्रुप साइड चेन में आ जाए। इसी तरीके से यहां पे OH आपका मेन चेन में हो जाए और इथाइल ग्रुप साइड चेन में आ जाए, क्योंकि आपको रिएक्शन किस किस के बीच में दिखानी है, वाटर एलिमिनेट करना है, तो OH और COOH आपको लेना है। सो लेट्स सी, इसका OH और इसका H, किसी एक को आप लिख लेंगे COOH की साइड से और किसी एक को लिख लेंगे OH की साइड से। मैंने यहाँ ब्यूटेनोइक एसिड को COOH की साइड से लिखा है और पेंटेनोइक को OH की साइड से लिखा है। वाटर एलिमिनेट करेंगे पॉलीमराइजेशन पे। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ नेक्स्ट मेंबर लिखूं तो अब ब्यूटेनोइक एसिड आएगा, तो इसका OH जाएगा और इसका H जाएगा। लेट्स सी यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम, फिर वही चीज ध्यान में रखनी है आपको कि एसिड से OH और एल्कोहल से एच एलिमिनेट करना है। यहां पर एल्कोहलिक ग्रुप हमारे पास बीटा हाइड्रोक्सी के फॉर्म में था, तो एस्ट्रा हम यहां फॉर्म कर रहे हैं, लाइक ये वैलेंसी फ्री हो जाएगी हमारी, ये हमने लिखा ओ, देयर आफ्टर सी एच, सी एच थ्री, सी एच टू, सी ओ, ये वाटर एलिमिनेट हो गया तो अब ओ से ज्वाइन करेगा, यानी सी डबल ओ ग्रुप एस्टर आ गया, देयर आफ्टर सी एच, सी एस टू, सी एस थ्री, सी एस टू, सी ओ, और वैलेंसी फ्री। नेक्स्ट मेंबर यहां पर आ सकता है होल एन, एंड 2N-1 वाटर मॉलिक्यूल वुड बी देयर। तो PHBB यानी पॉली हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट ओ वैलरेट। प्रॉपर्टीज क्या है? दे आर वेरीड विद द कंपोजिशन ऑफ टू मोनोमर्स। हम डिफरेंट डिफरेंट कंपोजिशन के साथ मोनोमर्स ले सकते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज को वेरी कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा ब्यूटेनोइक एसिड होता है, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड में स्टिफनेस बहुत ज्यादा होती है और पेंटेनोइक एसिड में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, तो अकॉर्डिंगली प्रॉपर्टीज भी होंगी। जिस हिसाब से हम इसको कंपोजिशन में लेंगे उसी हिसाब से हमें प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज मिलेंगी। बेसिकली इनका यूज कहाँ किया जाता है? इन पैकिंग मटीरियल फॉर ऑर्थोपेडिक डिवाइसेस। जो हमारी ऑर्थोपेडिक डिवाइसेस होती हैं, ऑर्थोपेडिक का मतलब यह है कि बोन्स को ज्वाइंट करने के लिए जो मटेरियल्स यूज किए जाते हैं, जैसे स्टील रॉड यूज की जाती है, या जो भी मटेरियल्स हैं ऑर्थोपेडिक डिवाइसेस जो भी हैं उनकी पैकिंग के लिए, या कैप्सूल्स की पैकिंग के लिए इसका यूज किया जाता है। इसमें क्या खास बात होती है? दैट दे आर बायोडिग्रेडेबल इन नेचर। जब बॉडी में जाते हैं तब डिग्रेड हो जाते हैं बाय द एंजाइम कैटालिसिस प्रोसेस, और दूसरा एंजाइम हाइड्रोलिसिस प्रोसेस, या फिर दूसरा ये एनवायरमेंट में भी बैक्टीरिया के थ्रू डिग्रेड किए जा सकते हैं। तो जो कैप्सूल्स होते हैं उनकी पैकिंग होती है हमारी किसकी? PHBB की पैकिंग कई कैप्सूल्स में होती है। व्हेन वी एंगल्फ द कैप्सूल, तो क्या होता है, बॉडी में जाने के बाद वो एंजाइम हाइड्रोलिसिस के थ्रू पैकिंग जो है वो बायोडिग्रेडेबल है नेचर में, तो डिग्रेड हो जाती है और जो मेडिसिन है दैट वुड बी डिजॉल्व इन द बॉडी। सो PHBB कैन डिग्रेड इन बॉडी एंड बाय बैक्टीरिया इन एनवायरमेंट। द नेक्स्ट एंड लास्ट मेंबर इज नायलॉन 2 नायलॉन 6। मोनोमर यूनिट हमें क्या लेनी है? ग्लाइसिन और अमीनो कैप्रोइक एसिड। कैप्रोइक एसिड का मतलब हेक्सेनोइक एसिड, सो इट मीन्स 6 कार्बन एटम होने चाहिए इसमें। हेक्सेनोइक एसिड में आप क्या करेंगे, हेक्सेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता? 6 कार्बन होते हैं आपके CH2, यानी हेक्सेनोइक एसिड हो जाती है आपकी CH3, और बाकी मैं लिख सकती हूँ इसको लाइक CH2 होल 4 COOH। ये हमारा हेक्सेनोइक एसिड हो गया। अब इसमें हमने क्या किया है, CH3 का एक एच हटाया और इसकी जगह क्या लगा दिया, NH2 ग्रुप लगा दिया, तो हमारा क्या बन गया, अमीनो कैप्रोइक एसिड। और ग्लाइसिन का फॉर्मूला क्या होता है, NH2 CH2 COOH। कैसे ज्वाइन करेंगे, एक COOH
यानी ग्लाइसिन का COOH और अमीनो कैप्रोइक एसिड का NH2 ग्रुप एक साथ रखेंगे, वाटर एलिमिनेट करेंगे, बाकी सारा ज्वाइन कर देंगे। देखिए अब जब यहाँ पर अगला मेंबर आप लेकर आओगे तो इसी को आप आगे लिखेंगे, COOH आएगा तो एक H एलिमिनेट यहाँ से भी हो जाएगा, एक H जा रहा है ना NH2 ग्रुप का, तो इसे मैं फ्री वैलेंसी दिखा देती हूँ, NH देन CH2 देन CO देन NH देन CH2 होल 5 देन CO, क्योंकि इसका OH एलिमिनेट होगा जब अगला ग्लाइसिन मेंबर यहाँ पर आएगा। तो इट फॉर्म नायलॉन 2 नायलॉन 6। क्लियर हो गया होगा नायलॉन 2 नायलॉन 6 क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ग्लाइसिन में 2 कार्बन एटम्स और कैप्रोइक एसिड में 6 कार्बन एटम्स हैं। प्रॉपर्टीज क्या है इसकी, दैट इज बायोडिग्रेडेबल इन नेचर, एक स्टेप ग्रुप पॉलीमर है, ठीक है। यूजेस हैं, इट इज बीइंग यूज्ड एज द थ्रेड्स, ये जैसे नायलॉन 6 है वो थ्रेड की तरह वूंड्स को स्टिच करने में, यानी स्टिचिंग थ्रेड की तरह यूज किया जाता था, लेकिन नायलॉन 6 क्या था, दैट वॉज नॉन बायोडिग्रेडेबल, तो स्टिचेस को बाद में काटना पड़ता था। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये नायलॉन 2 6 जो है वो अगेन हम थ्रेड्स की तरह यूज करते हैं फॉर द स्टिचिंग पर्पस सर्जरी में, लेकिन अब इसको क्या होता है, काटना नहीं पड़ता, क्यों, क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल है नेचर में और खुद से जो है बायोडिग्रेड हो जाते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ बायोपॉलीमर्स, इनका यूज स्टेबलाइजर्स में, थिकनर्स में, बाइंडनर्स में, ल्यूब्रिकेंट्स, एडहेसिव एंड ड्रग डिलीवरी एजेंट्स की तरह किया जाता है, क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल और रिन्यूएबल हैं नेचर में, सो कॉस्मेटिक्स में, फार्मास्यूटिकल्स, पैकिंग ऑफ पेपर्स, टेक्सटाइल्स में इनका यूज किया जाता है, आर्किटेक्चर्स में भी इनका यूज किया जाता है। बट द मेन प्रॉब्लम इज, इतने सारे यूजेस होने के बाद भी ये कॉस्ट में कंपेटेबल नहीं है सिंथेटिक पॉलीमर्स से। सो व्हाट वी आर टू डू, इनका ज्यादा से ज्यादा यूज बढ़ना चाहिए और ज्यादा सिंथेटिक बायोपॉलीमर्स का मैन्युफैक्चर होना चाहिए, जिससे अपने एनवायरमेंट को सेव किया जा सके और कॉस्ट वाइज इन पॉलीमर्स के कॉस्ट का कुछ अगर कम कॉस्ट हो सके तो दैट वुड बी वाइडली यूज्ड एंड दे आर हैविंग अ वाइड नंबर ऑफ एप्लीकेशन ओवर द सिंथेटिक पॉलीमर्स। थैंक यू।